अभी जो करंट टाइम चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा जॉब्स भी लोगों को केयर होम्स में ही मिल रही हैं और सबसे ज्यादा फ्रॉड भी केयर होम्स के नाम पे हो रहा है। बर्मिंघम की जॉब की जो मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज बर्मिंघम सिटी सेंटर में मैं घूम रहा हूँ और आज की मेरी वीडियो भी सिटी के ऊपर है, बर्मिंघम सिटी के ऊपर। मुझे किसी ने क्वेश्चन रेज किया था कमेंट में कि बर्मिंघम सिटी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाए, उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जॉब की क्या मार्केट है और एशियन के हवाले से, एशियन के हिसाब से कैसा सिटी है, एशियंस को लेके जॉब्स की मार्केट क्या है और जितनी भी ये सारी सिचुएशंस हैं मैं सारी इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। और पूरी वीडियो देखिएगा, हो सकता है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प मिल जाए। बर्मिंघम यूके का दूसरा बड़ा सिटी है और इसमें तकरीबन कोई 2,200,000 पाकिस्तानी रहते हैं और 65,000 इंडियंस रहते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी कम्युनिटी होती है। 2-2.5 लाख बंदा किसी फॉरेन शहर में, किसी दूसरे कंट्री के शहर में इतना बंदा एशियन रहना, और यहाँ पे एशियन कम्युनिटी होने के साथ साथ यहाँ पे जो कायदा कानून है वो भी एशियन ही है। सारे लोग ड्राइविंग वही पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल में करते हैं और ग्रॉसरी या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं वो भी आपको ईजी एक्सेस, हर चीज़ ईजी मिलती है। इसमें तकरीबन बर्मिंघम सिटी में 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, दूसरे नंबर पे आती है एस्टन यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पे आती है आपकी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी और न्यूमैन यूनिवर्सिटी। तो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिल्डिंग्स में बनी हुई हैं, इतना बड़ा नाम नहीं है उनका यहाँ पे बर्मिंघम में, लेकिन उनके मेन कैंपसेस जो हैं वो लंदन में, अल्स्टर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। तो कुल मिला के 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट मिल सकता है जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम सबसे अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका बहुत बड़ा नाम है और उसमें एडमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है लाइक बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी अपनी कम्यूनिटी पढ़ती है, जो भी हमारे एशियंस हैं वो समझेंगे यूनिवर्सिटी उनके लिए। सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगालीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में आते हैं, उसके बाद फिर एस्टन यूनिवर्सिटी में। अभी अल्स्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने भी इसी सेंटर में, ये मैं सिटी सेंटर के अंदर हूँ, किसी बिल्डिंग में उन्होंने अपना कैंपस बनाया है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अब उन यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रहे हैं। उनके मेन कैंपसेस तो लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का भी और अल्स्टर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है बेलफास्ट में। उन्होंने भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेना शुरू कर दिए। दूसरी बात आती है अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन यहाँ पे मिल जाती है, आप शेयर्ड अकोमोडेशन भी ले सकते हैं किसी के साथ या फिर आप सेपरेट फ्लैट भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल के वक्त में अभी जो टाइम चल रहा है अकोमोडेशन मिलना थोड़ी सी मुश्किल हुई हुई है सिटी में, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हुए आपको नज़र आएंगे ग्रुप्स में भी। और आपको सुनने में आता होगा कि यार अकोमोडेशन इस सिटी में नहीं मिल रही, अकोमोडेशन तो खैर पूरे यूके में ही नहीं मिल रही लोगों को आजकल। अकोमोडेशन की पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिन लोगों को अकोमोडेशन नहीं मिल रही, काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं अकोमोडेशन के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर फिर भी किसी को अकोमोडेशन नहीं मिलती तो एम्बर स्टूडेंट्स को ट्राई करें, उनसे आपको ये है कि कुछ टाइम के लिए अकोमोडेशन मिल सकती है, आप उनके पास जाके रूम बुक कर लें। ऑलरेडी अगर पाकिस्तान या इंडिया में आ रहे हैं आप तो एम्बर स्टूडेंट से आप रूम या कोई भी उनकी सर्विसेज ले लें, होटल में जाने से बेहतर है कि आपको चीप पड़ेगा। फॉर द टाइम बीइंग आप उनको बुक कर लें, उसके बाद यहाँ पे आके आप अपनी अकोमोडेशन साथ साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अकोमोडेशन आपको इसी तरह मिल सकती है या आपका यहाँ पे कोई बंदा हो। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जॉब मार्केट कैसी है यूके की। यूके की जॉब मार्केट में सबसे जो अच्छी जॉब्स है वो आप कह सकते हैं कि लंदन में आपको मिलेंगी, सबसे अच्छी जॉब्स की जो मार्केट है वो लंदन में है। बड़ा सिटी है, बहुत ज़्यादा दुनिया है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। उसके बाद मैनचेस्टर, मैं बर्मिंघम से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैनचेस्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस सिटी से ज़्यादा हैं। बर्मिंघम की जॉब की जो मार्केट है वो थोड़ी पतली है, इतनी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर नहीं है जो मैंने अभी तक नोट किया है। एक 1.5 साल मुझे यहाँ पर हो गया तो मैंने नोट किया कि बर्मिंघम की जो जॉब मार्केट है वो थोड़ी सी दूसरे सिटीज से कमज़ोर है, लेकिन फिर भी बड़ा सिटी होने के साथ साथ जॉब्स आती रहती हैं, स्टूडेंट्स जो भी आते हैं उनको जॉब मिल ही जाती है। काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन बर्मिंघम जो आप कह सकते हैं कि जाना जाता है वो यहाँ पे हेल्थ एंड जो केयर सेक्टर है उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट है यहाँ पे बर्मिंघम में। यूके की इकानमी को तकरीबन 870 मिलियन पाउंड जो है वो हर साल रेवेन्यू जनरेट करके देता है ये बर्मिंघम सिटी, तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, ये सबसे बड़ी जो मार्केट है वो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर होम्स हैं। अभी जो करंट टाइम चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स भी लोगों को केयर होम्स में ही मिल रही हैं और सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी केयर होम्स के नाम पे हो रहा है, तो ये चीज़ स्टूडेंट जो भी यहाँ पे आते हैं वो ज़रा अपने माइंड में रखें कि केयर होम्स की जॉब्स तो मिल जाती हैं लेकिन ये देखिएगा कि उनके पास काम है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये स्कैम होता है कि काम ही नहीं होता कंपनीज के पास और आप अपने
वीज़ास कई लोग स्विच कर देते हैं और उसके बाद वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, ना वो आगे किसी और अपनी स्टडी के हवाले से कुछ कर सकते हैं, ना ही वो अपना प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। बाकी मैंने लंदन में भी एक साल गुजारा है, यहाँ पे भी मुझे एक साल से ज़्यादा हो गया अब टाइम। तो अगर दोनों सिटीज़ को कंपैरिजन किया जाए तो लंदन बहुत बड़ा सिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। आपको ये है कि वेस्टर्न कल्चर देखने को मिलेगा ज़्यादा, और यूके के जो बाकी सिटीज़ हैं उसमें भी ये है कि बर्मिंघम एशियन सिटी माना जाता है ज़्यादा, मिनी पाकिस्तान भी इसको लोग बोलते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आया बर्मिंघम में, और मुझे पसंद भी है ये सिटी, मुझे अच्छा लगा है। बाकी हर स्टूडेंट की डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं, हर बंदे का अपना माइंड होता है, कोई अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा उनको रहना पसंद है, कोई लोग कहते हैं कि वहाँ भी अपनी कम्युनिटी देखी है और यहाँ भी अपनी कम्युनिटी से रहने से अच्छा है कि बंदा किसी और कल्चर में रहे, कोई और चीज़ सीखे। सिटी में स्टूडेंट्स को होम सिकनेस फील तो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि सारा पाकिस्तान तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर सारे हकीम पंसार सारी दुनिया यहाँ पर बैठी हुई है, होम सिकनेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर सारे अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और इंडियंस भी काफ़ी हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी इंडियन कम्युनिटी भी देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप किसी दूसरे कल्चर में जाएं तो वहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी को भी मिल सकते हैं। और आई होप ये वीडियोस आप सबको अच्छी लगे, अगर किसी को कोई भी फिर भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी किसी को चीज़ पूछनी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। बाकी थैंक यू सो मच, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें, ऐसी सारी वीडियोज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। और थैंक यू सो मच।